हेलो अस्सलाम वालेकुम, हे गाइस, मैं सफियान राजपूत हूं। सब सारे ठीक होंगे, ऐसे हम साथ रहे अपने बिक्सा जुड़े हैं मज़ा मज़ा वीडियो देखने के लिए। और ले जी, आज की इसी चासी, जैसे कि आपको पता होगा हम रात को आ गए थे नहरान। और ले जी, मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान पकड़ लिया, बाकी मैं सामान रख दिया रूम में। तो अब जी जा रहे हैं हम पपसा टॉप की तरफ। और ये जी था कुछ हमारा ऐसा होटल, तो जो हमारा था होटल उसके अभी भाई बल के आएगी। सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है यार भाई, अपने होटल का नंबर बता दो, फोन नाम बता दो ज़रा। खान गेस्ट हाउस इस होटल का नाम है और फ़ोन नंबर जो है इसका 03471907298। ठीक है, हमालिया से अंदर आती है गली। ठीक है, बहुत अच्छे भाई हैं और जो मेरा नाम आगे लेगा वो आपको डिस्काउंट भी देंगे। ठीक है, और ले जी बस दोनों गाड़ियाँ ज़रा साफ़ कर ली हैं। वो जी मेरे वाली गाड़ी खड़ी है जी, वो देखे सामने, पापा जी साथ खड़ी है। तो बस जी गाड़ियाँ ज़रा साफ़ कर ली हैं, तो बस जी यहाँ से निकलने लगे सीधा बापसर टॉप के लिए। तो बस यहाँ से निकलते हैं। मैंने पहले व्लॉग स्क्रीन स्टार्ट किया जब नाश्ता करने गया था, क्योंकि मैंने रात को मोबाइल चार्ज लगाया, सुबह के मोबाइल फुल हो जाएगा, रात को चली गई लाइट, फिर सुबह लाइट आई तो मैंने लगा दी। मैंने चलो मोबाइल चार्ज हो जाए, नाश्ता नहीं भी खाऊंगा खैर है। तो लेकिन बस यहाँ से निकलते हैं सीधा बॉक्सर टॉप के लिए। नहीं बस निकल पड़े, ये दोनों गाड़ी की चाबियाँ हो रही है, मेरी जैकेट हो गई, दोनों गाड़ियाँ खड़ी हैं जी सामने, मेरे वाली वो खड़ी है, पापा वाली खड़ी हुई उसके साथ। हाँ जी सैनी भी तैयार हो गया, जय सैनी। हाँ जी सैनी, और जी बस जा रहे हैं यहाँ से लेफ्ट हैंड पे सीधा, पहले आएगा वो नहरान वाला बाजार गुजर के आएगा, नहरान वाला पुल और उसके बाद जी फिर आगे वो खमोश दरिया के साथ साथ से सीधा वही रोड पे इंशाल्लाह पपसा टॉप की तरफ। और हमने रिकॉर्ड तो बना दिए 660 cc नहरान ले हैं, अब इंशाल्लाह ये भी रिकॉर्ड बनाना है कि कहाँ लेके जाएंगे जब चाचू बाबू सर टॉप। हाँ जी जा ही रही जी, आगे जी सारा लिखा हुआ है, ये देखिए आपको तो जूम करके दिखा दो, बाबू सर टॉप लो लो सर, टॉप पर जा रहे हैं। बाकी आगे आपको भी दिखाते हैं सीन्स। और ये जी रास्ता चलेगा खमोश दरिया की तरफ और वो पीछे से जा रहा था आंसू चीर की तरफ और चफमुख की तरफ, देखिए काफ़ी टूरिस्ट की बस खड़ी हुई है, देखिए साथ साथ जा रहे हैं और ये खमोश दरिया हमारे साथ साथ जा रहा है। और ये पापसर टॉप से भी आगे से आ रहा है, समझिए चाइना बॉर्डर वाली साइड से आ रहा है, चाइना बॉर्डर वाली साइड से आता है और वो स्कर्दूली साइड से पानी मतलब इकट्ठा होकर फिर आगे आता है। इसको इसलिए खमोश कहते हैं, मतलब यहाँ पर मतलब पानी की ना आवाज़ नहीं आती, वरना आप कहीं भी नहरान आते रुकेंगे ना या कहीं भी जाएंगे तो पानी की आवाज़ आती है, यहाँ पर पानी की आवाज़ नहीं आती, इसलिए कहते हैं फिर से खमोश दरिया। ये चेक करेगी माशाल्लाह आबशार कैसी आ रही है ऊपर से, ये स्टेप है, ये स्टेप है नीचे चेक करें ज़रा। और ये दूसरी गाड़ी अपनी जा रही है ये आगे, तो शायद यहाँ पे रुकें या फिर निकल जाएंगे यहाँ से। जो गाड़ी का पानी वगैरह चेक करने के लिए रुके थे, तो पानी वगैरह चेक कर लिया ठीक था, तो फिर ऊपर जा रहे हैं और ये सामने चेक करें ज़रा क्या सीन से, माशाल्लाह यहीं पर जा रहे हैं और समरा आ गया मेरी गाड़ी में से। समरा हाय हाय जी, चेक करेंगे कैसी बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर दिखा रही है, ग्लेशियर तो उन्होंने बीच में से काट के ना रोड बनाया हुआ है। अच्छा, और ये रोड भी इसी की वजह से ख़राब हुई है, पानी चल चल गंदी हो गई है, मतलब तर तर के बर्फ बाकी शहर है गाड़ी का फुल जोर लग रहा है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो चढ़ाई है ना आप भी देखें कहाँ पर गया है, 2-3 पे आता है। और ये तकरीबन हमारे अगर मतलब सीधी सड़क पर चला रहा है तो इस पर 100-120 की स्पीड होती है, इस RPM पर यहाँ पे इतना जोर लग रहा है। रोड भी थोड़ी सी ख़राब है, थोड़ी सी ना वो लास्ट टाइम रोड पानी की वजह से हो जाती है ख़राब। पीछे तो घर पर आ गए पहले ही यहाँ पर लेकिन बस यहाँ से रह गया मेरे 25 किलोमीटर आया तकरीबन, तो नहीं बस यहाँ से निकला फिर आगे सीधा बाबसर टॉप की तरफ, उससे आगे बाबसर टॉप यहाँ से निकलने लगे हैं बागे लोलसर लेक की तरफ, और उससे आगे फिर वहाँ पर थोड़ा रोक के फिर आगे बाबसर टॉप की तरफ। चेक करें जी प्याला झील, तो क्या सर कहते हैं इससे आगे आनी है जी लोलो सर, तो उससे आगे आएगी फिर बापसर टॉप, पहले एक ये झील आती है फिर इसके बाद आएगी लोलो सर। और ये जो सर रास्ता जा रहा है हमें ये पुल के पास से
यही जाता है कश्मीर पर, ये सारा रास्ता है 4x4 का, या पैदल पैदल कह रहा हूँ, बाइक का पैदल 4x4, आम गाड़ी यहाँ पर नहीं मदद जा सकती। पर जी उस गाड़ी में सारे बैठ गए हैं तो लेकिन बस यहाँ से निकले, क्योंकि अभी टाइम बड़ा आगे वापस भी आना है, तो निकलते हैं यहाँ से आगे। मैंने भी गाड़ी रोकी, पापा कह रहे हैं वापसी पे यहाँ पर रुके, पहले वो उधर जाने, मैं चलो ठीक है बाकी जा रहे हैं, वो ही देखें वो लोलो सर लेके ऊपर ही बर्फ पड़ी हुई है, वो देखें सर वो पड़ी हुई नहीं, बाकी बस जा रहे हैं, बाकी अल्लाह खैर करें। जाते जाते भी रास्ते में रुके पापा ने, यहाँ से पापा ले रहे हैं चारी वाला लेके, फिर निकलते हैं सारे जी जा रहे थे, तकरीबन 10 किलोमीटर रह गया था आगे, सामने जी पहाड़ियाँ ना वो बर्फ पड़ी वापस टोकी हैं, तो गाड़ी मारी होगी तो गर्म खड़ी करके ना, तो वो देख ले पानी तो दस्ती निशान आ गया, एच एफ का बता अभी गाड़ी करो दस्ती साइड में लगा दी गाड़ी, तो पानी डाल के आप निशान चला गया, थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकते हैं गाड़ी ठंडी होने देते फिर निकलते हैं, पानी डाल दिया हमने, और कभी भी ऐसे गाड़ी गर्म हो तो रेगुलेटर नहीं खोलते इसके साथ पानी डाल देते हैं, अगर खोलना भी सारा मैं मजबूरी है देखना पानी आ रहा है, 10-15 मिनट बाद खोलते हैं ठीक। गाड़ी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ठंडी गाड़ी थी तो पानी वगैरह डाल दिया, बस अब जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह ठीक हो गई थी हमारे, अब पानी नहीं था कोई, हमने इसे कहा चलो पानी भर लो बोतल में, पानी भर, ये देखो ये बर्फ की वजह से जरा रोड छोटा है तो उसकी वजह से ना गाड़ी की लाइनें लगी, एक आ रही है एक जा रही है। गाड़ी कर ली मैंने तब्दील, हुई गाड़ी ज़रा जोर ना काफ़ी लेट थी उसकी वजह से, मैंने कहा मैंने ज़रा गाड़ी चेंज कर गाड़ी, तो पापा कह रहे मैं चला के देखता हूँ, तुम मतलब बार बार पानी ऐसे कर रही, मैं चलो ठीक है। यहाँ पे जी था रश, देखें लाइनें लगी हुई है, इसीलिए मैंने ना गाड़ी मोड़ ली वापस और दूसरी गाड़ी का भी खड़ा करवा देते हैं पीछे, दोनों गाड़ियाँ जी खड़ी है ये नीचे, तो बस बाकी वो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हम जा रहे हैं पर पैदल जा रहे हैं, साथ चल रहे हमें, तो नहीं वो जा रहे हैं पर वो गाड़ियाँ रश बहुत ज़्यादा है, व्यू चेक करें बाकी करे जी, लाइनें लगी हुई गाड़ी, इसीलिए हम गाड़ी नीचे खड़ी कर ली थी, हमें ऊपर ले जाने का ना फ़ायदा कोई नहीं है, हमारे आधे वाले 3 मेंबर ना वो नीचे बैठे हुए हैं तो वो आ रहे हैं, देखिए जरा नीचे से सारी फैमिली आ गई है, पर अल्लाह का शुक्र है शायद चल गई, क्योंकि गाड़ी रश बहुत ज़्यादा ज़्यादा आ रहा तो इसीलिए ना गाड़ी जी शहर लिया जी, यहाँ से खाली शहर क्योंकि भाई भी सारा था, हमें तो पता चल गया क्योंकि हम तो ज़रा गाँव के रहने वाले बंदे हैं जी, लेंगे ये पिछले ली थी वो पर वो जितना नहीं जहाँ लेनी है ना, ये भी लेंगे नहीं जी, अंदर आ गए थे मैं समझा कि भूख लगी थी, हमने कहा थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेते हैं, तो इसे जी खिलाते हैं, क्या खाना पकौड़े नहीं सब पकौड़े खिलाते हैं, वो ही हमने लिया नहीं 2000 रुपये ले रहे, सिर्फ 2 सेकंड के लिए समझो ऐसे छोड़ते हैं फिर वापस आ जाता है, पकौड़े की एक प्लेट और एक अंडा, बस क्या से कहते हैं बस यहाँ से खा रहे पकौड़े, काफ़ी निकलते आ गए जी, सर्दी काफ़ी, मेरी जैकेट गाड़ी में रह गई, मैं भूल गया, मैं फोन नीचे ले लिया, रश पड़ा यार गाड़ी ऊपर सकती, मसला ही है बस ये जी पकौड़े और साथ जी 2 अंडे, ये प्लेट जी 300 रुपये की पकौड़ों की, अंडा 150 रुपये का, मैं सोचा मैं इतना दुकान ही ना पाल मैं है समरा सही है ना जी, खा लिया बस जी, अब यहाँ से जा रहे हैं घर वालों को ढूंढते हैं फिर यहाँ से निकले वापस, क्योंकि अभी 5 बजने वाले 10 मिनट आएगी, क्योंकि डॉक्टर सर लेके कोई टाइम लगेगा, चक्कर ऐसे बच्चे को नीचे बांध के लेके जाना, क्योंकि जो चीज़ डल थी ना कमरे में बांधने वाली वो गई है घूम, तो अब इसे ऐसे नीचे लेके जाएंगे, लेके भी ऊपर ऐसे ही वो इसकी घूम गई है, तो बस इसे लेके बांधने में चक्कर ये जा रहे हैं नीचे, हवा बहुत तेज चल रही है हमारे, वो देखें वो कुछ वो चले गए कुछ पीछे जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पीछे, 5 बज गए बस यहाँ से निकलना है, गाड़ी भी ठंडी बस थोड़ी सी गर्म हो जाए तो फिर निकलते हैं यहाँ से, इंशाल्लाह यहीं जा रहे हैं वापस, जब ज़्यादा मतलब लथाई आती है टाउन आता है फिर ये लो वाला गेट डाल देते हैं, इसकी वजह से मेरा गाड़ी ना
जैसे बड़ी गाड़ी फोर बाय फोर होता है ना, गाड़ी अपने आप को जाम कर लेती है, चारों टायर जोर लगाते हैं फिर तो उसके से गाड़ी स्लो हो जाती है। इसके बड़ी चारों लगाते हैं कि नहीं, ये बड़ी फोर बाय फोर आ रही है, इसके चारों कहाँ से लगाने हैं, तो बाकी फिर हम ये लगा देते हैं, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है क्योंकि ब्रेक ज़्यादा यूज़ नहीं करते यहाँ, क्योंकि ब्रेक गर्म हो जाती है फिर ब्रेक नहीं लगती है। सामने लोलसर पर हम नहीं रुके क्योंकि हमारे एक अफराद की तबीयत ख़राब है, चलते हैं रुकने का फायदा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नीचे से नहीं दिखा पाया। नहीं जी, तकरीबन यहाँ से रह गए 25-26 किलोमीटर नारायण और जा रहे हैं, वहाँ पर दूसरी गाड़ी जो पीछे आ रही है, बाकी अल्लाह ख्याल करे रुकूँ इसलिए कहीं नहीं, और एक पेशेंट की तबीयत ख़राब हो गई, अपनी रुकते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के फिर निकलते आएंगे। रास्ते में से जा रहे थे और यहाँ पे ना काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं पीछे, तो बाकी दूसरी गाड़ी पीछे है, मैं अगर आ गया तो जैसे ही खुलता फिर जा रहे हैं आगे, वो काफ़ी लगी हुई है, जहाँ खाना वाना खाते हैं जी। आगे ना जी कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको ना सारे खींच रहे हैं, इसकी वजह से नहीं अभी रश लगा हुआ था, और पता नहीं क्या चीज़ें जाते हैं ना, देखते हैं देखे जी एक गाड़ी होर फंस गई है यहाँ पे ना, कौन फंस गया अपने हमारी गाड़ी का भी पानी के पैसे ना बम्पर उतर गया, बाकी गाड़ी जी बचत ना हो गई है, समरा बाइट निकली हुई है, उसका भी बम्पर उतर गया, लगाते हैं बम्पर फिर चलते हैं आगे, बाकी भी अल्लाह शुक्र है मेरी गाड़ी स्कूल से निकल आई। यहाँ से भी रुकते हैं खाना खाने के लिए, आधे लोग कह रहे खाना खाना नहीं खाना खाना नहीं खाना, देखे क्या साढ़े तक क्या नहीं होता। आ गए जी इधर रेस्टोरेंट पे, ऑर्डर कर दिया कढ़ाई तो खाते क्योंकि तीन चार लोगों ने खानी है, खाना आ गया, मैं पूछूँ गया सारा खाने खत्म नहीं करते, नहीं बस खाने फिर नहीं करते, नहीं बस खाना वगैरह खा लिया तो यहाँ सब वॉश वगैरह करके फिर निकलते हैं यहाँ सीधा राइट, क्योंकि 8:30 हो गए हैं, 9:30 बज जाने में जाते जाते बिल्कुल, फिर मोबाइल आज में जब फिर चार्ज नहीं होगा, 10 बजे लाइट फिर चली जानी है, बाकी देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं हुआ। यहीं जा रहे हैं वापस, और रात हुई तकरीबन 8:30 हो गए हैं, तो तकरीबन 5-10 किलोमीटर रह गया, तो फुल स्टम थकान हो गया, पैदल चढ़ के गए हैं गाड़ी के जाने से रश जाना था, तो हमने फिर दोनों गाड़ियों में नीचे खड़ी कर दी थी, तो सब जा रहे हैं वापस इंशाल्लाह होटल में जाके फिर आज जस्ती सो जाना था। पहले मैंने सोचा था कि कल चलेंगे बाहर बाज़ार में, पर अब हिम्मत नहीं रही है, अब यहाँ सीधा घर ही जाएंगे सॉरी होटल। ये देखें कितनी लाइनें लगी हुई नारायण, तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर है और लाइनें यहीं से ना स्टार्ट हो गई हैं, तो अभी नारायण में एंटर नहीं हुई, बाकी भी देखें क्या सीन बनता है। देखें ये रश में फंसे हुए हैं, पानी कब खुलता कब नहीं खुलता, अभी रश आ गया, ये नारायण बाज़ार एंटर हो गए हैं और थोड़ा बहुत रश तो निकल गया, बाकी हमारी दूसरी गाड़ी पीछे है वो, क्योंकि मैं अभी बड़ी तो उसका ज़रा मुश्किल हो जाएगा, रश देखें ज़रा नारायण में, हमारे होटल की गली तो हम बस चलते हैं, दूसरी गाड़ी पीछे हुए सिग्नल भी नहीं है, बनना बनना उनसे कंटेक्ट कर ले, सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं। आ गए जी वही पार्किंग में, अपनी गाड़ी लगा दी है, बस थोड़ा सामान है गाड़ी में साथ थोड़ा सा ले गए, वो उठा के करते हैं सामने होटल है और जाके करते हैं लास्ट। ये जी हमारा होटल और ये जी हमारा रूम जहाँ पे हम कल स्टे किया था, हमें 3-4 इतने कैश वगैरह पहले रूम है 8-9 साल से तक है, इन्होंने हमें अखबार है भाई, हमें खान साहब अखबार है, और ले जी आगे बस अपने रूम में, अगर आपको नारायण टू वापस टॉप और ऊपर 6:30 इसी गाड़ी में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टाटा।